नमस्कार, खरे खरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। झारखंड में बीजेपी के साथ खेल हो गया है। दरअसल बीजेपी इस फिराक में थी कि किसी ना किसी तरीके से झारखंड में या तो अपनी समर्थित सरकार वो बना ले, बीजेपी समर्थित सरकार आ जाए, या राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका झारखंड में लगा है और हेमंत सोरेन ने अब गिरफ्तारी के बाद जो सदन में भाषण दिया है, उसके बाद बीजेपी की सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि कई और अन्य राज्यों में बताया जा रहा है कि बीजेपी का जनाधार अब खिसक रहा है। दरअसल आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से अभी तक टिप्पणी की जा रही थी और जिस तरीके से जो बीजेपी एक तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी समर्थित एंकर जो हैं वो किस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो कुछ भी प्रकरण हुआ है ईडी की गिरफ्तार, ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की और जो झारखंड में पूरा प्रकरण चला, और अब हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से सदन में भाषण दिया और जो जो बातें उन्होंने कही हैं, बीजेपी को चुनौती भी दी है और ये भी कह दिया है कि ये आंसू जो हैं वो आज नहीं निकलेंगे क्योंकि ये आगे बचाकर, आगे के लिए बचाकर रखा हुआ है। तो जो एक तरीके से सिंपथी है वो तो हेमंत सोरेन के लिए, विपक्ष के लिए, जनता की बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और इसके साथ ही झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो भी देख रहा है कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी वहां पर कुछ करना चाहती तो वो वहां पर तोड़फोड़ की सरकार बना लेती, तो इसमें बीजेपी को तो कामयाबी नहीं मिली और इसका मतलब ये है बीजेपी ने तो वहां पर कुछ किया ही नहीं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की लेकिन इंडिया गठबंधन ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया है और अब बहुमत परिषद जो है वो सदन में चल रहा है। आप देखें हेमंत सोरेन भी वहां पर भाषण दे रहे हैं, चंपई सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन जो बीजेपी की नाकामी है वो साफ नजर आ गई। सबसे पहले तो बीजेपी ने एक तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश रची कि किसी न किसी तरीके से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते ही गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर वो मुख्यमंत्री रहते ही गिरफ्तार होते तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। लेकिन हेमंत सोरेन ने चालाकी के साथ पहले इस्तीफा दिया, फिर वीडियो जारी किया और उसके बाद जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और आदिवासी समाज के अंदर एक आक्रोश जो है बीजेपी के लिए वो बढ़ता जा रहा है। आगे किस किस तरीके से बीजेपी को झटका झारखंड में लगा है और क्या कुछ बड़ी उपलब्धि जो है वो इंडिया गठबंधन को हासिल हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का एक बयान आपको सुनाते हैं, आगे हमारे जो भी सहयोगी हैं उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेमंत सोरेन का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने का अवकाश इनके पास नहीं है। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरीके से सदन में वो दहाड़ रहे हैं और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब इसका सीधा असर आदिवासियों के प्रभाव जो है वो आदिवासियों पर पड़ रहा है, सीधा असर जनता के बीच में जा रहा है और इसीलिए घबराहट बीजेपी के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुमत परीक्षण चल रहा है उसको लेकर भी जिस तरीके से बीजेपी अभी तक कोशिश ये कर रही थी कि तोड़फोड़ कर यहां पर सरकार बनाई जाए, वहां पर भी बीजेपी को नाकामी मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ हैं।
दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी की एक बड़ी जो साजिश है वो नाकाम हुई है, अमलेंदु जी दीपक जी आप देख रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने सदन में जो कुछ भी कहा है अब उसका सीधा असर जनता के बीच में जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कोशिश थी बीजेपी की, राज्यपाल की, कि किसी न किसी तरीके से देर किया जाए और ऑपरेशन लोटस जो है वो चल जाए, विधायकों को तोड़ लिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन पहले से ही इस बात को भाप गया था और विधायक जो है वो हैदराबाद गए और उसके बाद अब बहुमत परीक्षण चल रहा है। बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में बीजेपी ने जाल तो बुना लेकिन उसी जाल में वो पूरी तरीके से फंस गई है। अमलेंदु जी देखिए, झारखंड में जो कुछ भी बीजेपी ने अभी तक किया अब उस पर वो उल्टा पड़ रहा है और जनता जो है वो आक्रोशित है। आप देखें तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम जो रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब जनता से वो सवाल कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी ये कह रही है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और उसका जवाब जनता वही दे रही है जो हेमंत सोरेन सदन में कह रहे हैं कि जो पैसे लेकर भाग गए, जो बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो विपक्षी नेता है उन पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। अमलेंदु जी देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड एपिसोड पूरा जो है वो काफी ज्यादा बूमरैंग कर गया है और भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियाजा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। आदिवासियों की एक बड़ी संख्या इस देश के अंदर है और जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता है इस देश में, तो हेमंत सोरेन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के जेल भिजवाया है और जिस बात को हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हो, आज सदन में जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कहा जाए देसी भाषा में ताई ठोक के भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती दी है उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट गहरा हो गया। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन को सिर्फ जेल भिजवाना ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर के जिस तरीके से एक तरीके से कार्य की नाकामयाब किया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड ने एक तरीके से कहा जाए वो डबल डोज दी है। वो डबल डोज ये है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन वहां एकजुट रहा और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी अमलेंदु जी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है कि जेएमएम की जीत हुई है और चंपई जो चंपई सोरेन है उन्होंने बहुमत परीक्षण किया है और उनकी जीत हुई है, उन्हें बहुमत मिला है, 47 विधायकों का सपोर्ट उन्हें मिला है, तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन झारखंड में जीत गया है। दीपक जी आपके पास आएंगे, ये बड़ी जीत जो है इंडिया गठबंधन की हुई है, लगातार कोशिश हो रही थी बीजेपी के तरफ से कि किस तरीके से विधायकों को खरीदा जाए और झारखंड में जो चुनी हुई सरकार है उसे गिराया जाए, हालांकि सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन जेएमएम का ही मुख्यमंत्री है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है और साफ उनका यह भी कहना है कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट टू हूं। एक तरीके से अब बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्होंने सोरेन को, हेमंत सोरेन को जेल में भी डाल दिया जिसकी वजह से जनता में नाराजगी है, दूसरी तरफ शासन प्रशासन अपने हाथ में लेने की कोशिश में थी बीजेपी कि या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए या फिर यहां पर उसकी समर्थित सरकार आ जाए, किसी ना किसी तरीके से तोड़फोड़ कर वो सरकार बना ले, ऑपरेशन लोटस चला ले, लेकिन वो सब कुछ नाकाम हुआ और जीत हुई है इंडिया गठबंधन की। क्या कुछ कहेंगे दीपक सर, यहां पर एक बड़ा जो एक तरीके से झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, यहां तो जो संख्या बल है विधानसभा में झारखंड की वो तो लगभग इन्हीं के पक्ष में था, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी अनहोनी बात नहीं थी। असली महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पे और केंद्र सरकार की और उसके सारे षड्यंत्रों की एक बहुत बड़ी पराजय हुई है झारखंड में। पहली बात, जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते थे, ऑपरेशन लोटस चलाने का यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिला किसी ओर से। इतनी अच्छी रणनीति पहले से बना रखी थी हेमंत सोरेन ने कि इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी कोई दांव खेले उसके पहले उसने कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि ये जो भाषण जो दे रहे हैं हेमंत सोरेन दे रहे हैं, चंपई सोरेन दे रहे हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ इसमें कम से कम हेमंत सोरेन के भाषण में ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो ईडी से कोई घबराए हुए हैं, स्पष्ट रूप से वो वैसे ही पहले की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं और उन्होंने तो एक तरह से मैसेज दे दिया है कि वो किसी चीजों से घबराने वाले नहीं है। उल्टे उन्होंने ईडी को एक्सपोज किया है कि जहां लाखों करोड़ लेके लोग भाग रहे हैं उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन की यहां पर जीत हुई है। आज देखिए वहां पर एक बीजेपी के एक नेता भाषण दे रहे थे, सदस्य जो है, कि कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा वो जेल में चला जाएगा। उन्होंने शिबू सोरेन की बात की और उसके बाद एक दो और लोगों की बात की झारखंड के ही, कि जिनके जो कांग्रेस के साथ थे लेकिन वो जेल में गए। ये उनका ऐसा एक तरह से प्रचार करते कि आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के चलेंगे तो
तो आप जेल में जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने बड़ा सीधा संदेश दिया कि आप हमारे पास आओगे तो आप कुछ भी भ्रष्टाचार करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, और आप अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं या हमारे साथ नहीं आते तो निश्चित है कि आपको जेल भेजा जाएगा। अब इस ईडी का मामला जो हुआ है, जिस प्रकार से यह ऑपरेशन पूरा का पूरा फेल हो गया, ये ईडी के जरिए ही चलाए जाने की कोशिश थी, जैसे कई राज्यों में और की गई है, तो एक तरह से नाकाम हुआ है। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं आचार्य जी, कि कल कल जो है राजीव रंजन जी ने, हमारे प्रधान संपादक जी ने, जो अभिषेक मनु सिंघवी का जो एक लंबा साक्षात्कार किया है, मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि उसे जरूर देखें। उसमें उन्होंने बताया है, संघवी साहब ने, बड़े प्रसिद्ध वकील हैं जो, और कई कई लोगों के केस भी लड़ रहे हैं वो, तो उन्होंने ये बताया कि भय का जो वातावरण है पूरे देश में, वो जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए करने की भी कोशिश हो रही है। तो इसका भी रिफरेंस जो आता है, आज जो हुआ है हेमंत सोरेन की, जो इसको हम हेमंत सोरेन की ही जीत कहेंगे, चंपई सोरेन ठीक है क्या, फिलहाल वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असली जीत जो है वो चंपई सोरेन की ही मानी जाएगी, कि वो जेल में है, इस जेल में मतलब रिमांड पर है वो, इसके बावजूद जो है विधानसभा में उनके पक्ष में पूरे के पूरे लोग हैं। पहले से था कि 48 जो है विधायक जो है वो इस गठबंधन के साथ है, जिसमें मेरे ख्याल से शायद 29 जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, बाकी कांग्रेस के हैं, एक दो जेडीयू के भी वहां सदस्य हैं, झारखंड विकास मोर्चा का एक सदस्य है, एक वामपंथी दल का है। इस प्रकार से 48 वोट आने चाहिए थे, लेकिन एक सरफराज अहमद जो है वो लंबे समय से वो अब्सेंट रहते हैं, वो अक्सर किसी भी गतिविधि में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं वो, लेकिन पिछले लगभग 3 सालों से वो किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते, तो पहले से मान के चला जा रहा था कि वो नहीं ही होंगे। ऐसे बीजेपी का भी एक सदस्य लंबे समय से बीमार है, वो मेरे ख्याल से शायद हैदराबाद या कहीं पर उभरती है। तो इस प्रकार से पराजय तो बड़ी स्पष्ट थी। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कितने बड़ा विभाजन था वहां पे, संख्या बल का इतना बड़ा अंतर था। अगर आप ऐसी मजबूत चुनी हुई सरकारों को भी इस तरीके से गैर अनैतिक तरीकों से अगर आप गिराने की कोशिश करें तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा। ये जो संदेश है, ये जो जीत हुई है विधानसभा में हेमंत सोरेन की, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहे या चंपई सोरेन की कहे, ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण प्रणाली पर है, उसकी विचारधारा पर है, कि किस प्रकार से आप आदिवासियों की सरकारों को आप गिराना चाहते हैं, किस प्रकार से विपक्षी दलों की कोई सरकार नहीं चलने देना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से बड़ी जीत है, और इसका संदेश जो है मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में जाएगा। लोग ईडी, आयकर, सीबीआई से डरना छोड़ेंगे, और दूसरी बात, जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको अस्थिर न किया जाए, ये संदेश भी जो है पूरे देश में जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। आंचल जी, जी दीपक जी, और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तो पुरजोर कोशिश की थी, निशिकांत दुबे का बयान अगर आपको याद हो तो लगातार वो ये बहुत खुले तौर पर दावा कर रहे थे कि 18 विधायक जो हैं वो नाराज हैं और वो बागी हो गए हैं। इसके साथ ही संख्या बल उनका पहले ये बताया गया कि 31 ही विधायक हैं, पहले उन्होंने 30 बताया, उसके बाद वो 35 तक आए, और अब आप अगर देखें तो 47 विधायकों का जो बहुमत है वो हासिल है, और इसी तरीके से चंपई सोरेन की जीत हुई है। अब ऐसे में अमरेंदु जी अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा था कि अपने ही पार्टी में फूट पड़ गई है, हेमंत सोरेन जो है वो किस तरीके से बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर है। कल्पना सोरेन को लेकर पहले खबरें चलाई गई कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, बहुत सारे नेता हैं, 18 विधायक जो है वो नाराज हैं। उसके बाद जैसे ही चंपई सोरेन का नाम आया उसके बाद भी बताया गया कि वो विधायक नाराज हैं, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विधायकों को हैदराबाद इसीलिए भेजा गया क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख कर रही थी, और हमने तो लगातार ये बताया कि दिल्ली से एक टीम भी वहां पर पहुंच गई थी, बताया जा रहा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी टीम को वहां पर भेज दिया है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही। विपक्ष के कई नेता जो है दावा कर रहे हैं कि उनके जहां जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर विधायकों से संपर्क किया जा रहा है उसी टीम के द्वारा, और आतिशी ने भी इसको लेकर एक बड़ा दावा किया, हालांकि कितनी सच्चाई इसमें यह अभी जांच का विषय है, और लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है अमलेंदु जी, और बीजेपी ने जो कोशिश की थी झारखंड में, और ये पहली बार हुआ है जहां पर बीजेपी ने कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर जो है वो बीजेपी ने लगाया, लेकिन उसके बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली है, और अब ये बड़ी जीत हुई है, और विपक्ष का जो वोट है वो 29 विधायकों का समर्थन विपक्ष के पास है, और सत्ता में इस वक्त 47 विधायक जो है वो है चंपई सोरेन को उनका समर्थन प्राप्त है। अमलेंदु जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि 48 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के थे,
और पूरा इंटेक्ट जो है वो रहा है सत्ता पक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और CPI-ML का गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, वो पूरी तरीके से एकजुट रहा, उसमें कहीं भी कोई दरार देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी हार जो है भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य की समझी जानी चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य झारखंड में फेल हुए हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को एक जबरदस्त तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के काल पे, आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस जगह जगह चलाना चाहती है, अब इसका उल्टा असर जो है कहीं बिहार पे ना हो जाए। मतलब बिहार में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि ऑपरेशन लोटस नहीं होगा बल्कि वहाँ एंटी ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है कि वहाँ विधानसभा में विश्वास मत से पहले जो है इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल ना कर दे और भारतीय जनता पार्टी और JDU के कुछ विधायक जो है वो टूट के दूसरे पाले में ना चले जाए। मतलब गिनती जो वो उल्टी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। असल में ED और CBI भी तब तक काम करेंगे जब तक कि विधान लोकसभा चुनाव जो है उनकी घोषणा नहीं हो जाती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ED और CBI वगैरह जो ये जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर भी सरकार का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद जो इनके सामने भी ये प्रश्न होगा इन संस्थाओं के अधिकारियों के सामने भी कि कहीं दूसरी सरकार आ गई तो फिर उसके बाद क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कहा भी किया हमारी जब सरकार बनेगी, उनका जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो इन सबकी जाँच कराई जाएगी। तो अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में लौट आया और इन सारे कामों की जांच हुई तो उसमें ये इन संस्थाओं के अधिकारी भी जो सरकार के इशारे पे इस तरह की सब काम कर रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर फंसेंगे और इस सरकार के बहुत से बड़े लोग जो हैं जो चाणक्य समझे जाते हैं वो भी इसमें फंसेंगे। तो कुल मिलाकर के एक देश के सामने नई चीज आएगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी देखिए प्रयास तो सब जगह करेगी, ऐसा नहीं है कि वो प्रयास करना बंद कर देगी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर उस राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास करेगी जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन वो कितना कामयाब होगा अब ये देखना होगा। चूंकि झारखंड ने एक रास्ता दिखा दिया है और जिस तरीके से सीना तान के हेमंत सोरेन ने चुनौती दी है वो चुनौती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जी। और अगर इस स्थिति में है तो उनको करना चाहिए था कुछ। तो हेमंत सोरेन ने मुझे कहा जाए कि एक रास्ता जो है वो पूरे विपक्ष को भी दिखाया है और ये भी दिखाया है कि किस तरीके से सीना तान के जो है वो ED और CBI के शिकंजे में फंसने के बावजूद खड़ा हुआ जा सकता है, इस सरकार को चुनौती दिया ये दिया चलिए जी जी। और अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास वो आंकड़े हैं और पूरी जो यहाँ पर विधानसभा सीट है वो 81 है और इसमें अगर देखा जाए तो खाली सीट जो है वो एक है, अनुपस्थित जो विधायक था वो एक था और आज जो वोटिंग हुई है वो 79 की हुई है और इसमें बहुमत के लिए अगर देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो 41 का होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास जो ये आंकड़ा है वो 29 का है और सत्ता पक्ष जो वहां पर चल रहा है वो 47 का चल रहा है। तो ये इस तरीके का आंकड़ा है और वहीं पर अगर देखा जाए 48 का आंकड़ा है लेकिन उपस्थित जो विधायक है जिन्होंने वोटिंग की है और जो समर्थन प्राप्त हुआ है वो 47 का हुआ है। वहीं पर BJP के पास 26 सीटें हैं और AJSU जो है वो अगर देखा जाए तो उसके पास भी विधायकों की संख्या है और इसके साथ ही कांग्रेस के पास आजसू के पास 3 हैं और NCP जो है अजीत पवार की जो है वो उसके पास 1 है और 2 सीटें जो है वो निर्दलीय हैं। अब ये आंकड़ा है अमलेंदु जी दीपक जी आप देख रहे हैं कि जो आज जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ और उसके बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें जो इंडिया गठबंधन है उसके पास बहुमत है और BJP और बाकी जो और भी दल है जो विपक्ष में है उनके पास जो सीटें हैं वो कम नजर आ रही हैं। लेकिन आंकड़ा जो है वो 32 का है लेकिन वहां पर 29 जो है वो विधायक थे सदन में जब फ्लोर टेस्ट हुआ और ये आंकड़े जो है वो आपके सामने हैं। दीपक जी यहाँ पर आपसे एक बड़ा सवाल जो है वो लेना चाहेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान जो है चंपई सोरेन का सुनाते हैं। चंपई सोरेन जिस तरीके से उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं इससे घबराहट तो BJP में होगी ही। दीपक जी आप देखिए कि हेमंत सोरेन को जेल में डालकर BJP यही चाहती थी कि एक बड़े नेता को तोड़ा जाए और उसके बाद JMM को तोड़ा जाए और किस तरीके से झारखंड में उसकी समर्थित या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी। अब सरकार भी बची हुई है और जो मुख्यमंत्री आया है उसने भी ऐलान कर दिया है कि आप कम मत समझिएगा, हेमंत सोरेन से कम नहीं है चंपई सोरेन। उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं पार्ट 2 हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए, उसके बाद आपसे एक बड़ा सवाल इस पर चाहेंगे। क्या बोलता है हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है।
जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो सवर्जन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो सर नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना आपकी स्वर आपके द्वारा कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज सवर्जन योजना से जोड़ने का काम किया। दीपक जी, आप सुन रहे थे चंपई सोरेन को, और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो उसके पक्ष में आएगा, लेकिन बीजेपी को अब झटके पर झटके लग रहे हैं। ना तो राष्ट्रपति शासन लागू हो पाया, ना ही ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, और ना ही जेएमएम को जो तोड़ने की कोशिश की गई वो कामयाब हो पाई। भले ही हेमंत सोरेन गए हैं, और हेमंत सोरेन के जाने से बीजेपी को नुकसान ही हो रहा है। जो आदिवासी समाज में बताया जा रहा है कि वो आक्रोशित है, और जो भी पत्रकार आदिवासी समाज से किसी भी व्यक्ति से अगर वहां पर बातचीत कर रहे हैं तो वो बीजेपी के खिलाफ ही बातें कर रहा है, और वो सवाल भी पूछ रहा है कि बाकी जो लोग हैं, जो हेमंत सोरेन ने सवाल खड़ा किया था कि जो देश छोड़कर भाग गए, जो आपके करीबी हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उन पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। एक आदिवासी जो मुख्यमंत्री था उस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है? दीपक जी, तीन ऐसे राज्य हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गहरी नजर है। उसका कारण है कि ये तीनों राज्य जो हैं, ये वन संसाधन हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसके कारण जो बीजेपी के नजदीकी जो कारोबारी मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, उनको बड़ी सुविधा होगी। उसमें एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से कांग्रेस को किसी भी तरीके से हरा ही दिया गया, झारखंड, और तीसरा रहता है उड़ीसा। तो ये तीन राज्य हैं, इस पर बिल्कुल नजर है भारतीय जनता पार्टी के जो कारोबारी मित्र हैं, उनके जो व्यवसायिक मित्र हैं, और जिनकी ओर इशारा भी कर रहे हैं हेमंत सोरेन की, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो झारखंड के ऊपर नजर तो थी, लेकिन देखिए झारखंड की इसमें भी क्या, 9 तारीख को इनकी सुनवाई है, इनके हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी पर जो है, और इन्होंने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा है कि जिस 8.5 एकड़ की जमीन के घोटाले का मुझ पर आरोप है, उसके बारे में मेरे नाम के कागजात आप सामने रख दीजिए, मैं केवल राजनीति नहीं, मैं झारखंड छोड़कर ही चला जाऊंगा, ये उन्होंने दावा किया है। तो अब ये जो है, ये बात अगर संज्ञान में आती है कोर्ट की, तो देखना होगा कि इसको कितना गहराई से कोर्ट जो है वो लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दावा करने के बाद निश्चित रूप से उन्होंने साफ किया है कि मैं भ्रष्टाचार में कतई लिप्त नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है। वैसे ही फंसाए गए जैसे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता फंसाए गए हैं, कुछ लोगों और फंसाने की तैयारी की जा रही है। अभी आप देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं वहां की दिल्ली की आतिशी, हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ के लिए उनको बुला लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं पूरे देश में अब उसके कारण, लेकिन एक बात जरूर होगी कि ईडी जो है वो भी सतर्क होगी, सावधानी से कदम बढ़ाएगी, और जितने कोर्ट हैं जहां जहां ऐसे मामले ईडी वाले जाते हैं वो भी जो है निश्चित रूप से वो भी इसको बड़ी गहराई से देखेंगे, ये बात समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये सारे मामले जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जिस साक्षात्कार का, डीबी लाइव के साक्षात्कार का मैंने उल्लेख किया कल, जो अभिषेक मनु संघवी का, उन्होंने भी ये बात साफ कही है कि सारे के सारे जो छापे पड़ते हैं, सारे के सारी जो कार्रवाइयां होती हैं, सारे मामले जो दर्ज हो रहे हैं वो सारे विपक्षी दलों के ही नेताओं पर हो रहे हैं, और उसमें भी जो सक्सेस रेट जो है, स्ट्राइक रेट जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का, वो 3% भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप आनंद फानंद में मामले दर्ज करते हैं केंद्र के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या केंद्र सरकार के इशारे पर, और आप किसी को भी धर दबोचते हैं। ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, इससे तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आप हर राज्य में चाहते हैं कि केवल आपकी सरकार हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ के मतदाता ने, झारखंड के मतदाता ने जो सरकार चुनी थी, आप उस सरकार को गिरा के आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये जो मामला जो है झारखंड का, वो केवल कौन सी पार्टी विश्वास मत में जीती और कौन सी हारी, इतना नहीं है, इससे बढ़कर है। असली मुद्दा जो है विधानसभा के बाहर है, ये पूरे देश के लोकतंत्र के बारे में सवाल है। झारखंड की भोली भाली आदिवासी जनता है जिसने बड़े उम्मीदों से चुन के इस सरकार को लाया है। ये आदिवासी नेता हैं हमारे, वो हमारा कुछ और अच्छा काम भी कर रही है, ऐसे नहीं। झारखंड में अगर आप जाएं तो वहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। शुरुआत के कुछ समय में तो आप जानती हैं कि झारखंड जब बना, 3 राज्य एक साथ बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़,
तो इसमें झारखंड और उत्तराखंड में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हेमंत सोरेन ने एक यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता लाई है, कल्याणकारी जी राज्यों को इसने एक तरह से पेश किया है, उसके बड़े परिणाम देखने को मिल रहे हैं, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जैसे चंपई सोरेन ने बोला कि जिन ब्लॉक्स में कोई अधिकारी नहीं जाता था वहां पर अब अधिकारी जाके लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी तकलीफों के बारे में जान रहे हैं। मैंने इस राज्य की यात्रा की है, कुछ इलाकों में मैं जानता हूँ, बहुत ही दुर्गम इलाका है, बहुत मुश्किल वाला इलाका है, लोगों को वहां बड़ी तकलीफें हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो स्थिति वहां पे सुधर रही है, ये चीज भी जो है वो शायद बीजेपी को और केंद्र सरकार को बहुत इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि इसके कारण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन ने लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें जी जी वहां पे भी हो सकता है कि भाजपा को उतनी सीटें ना मिले, तो इन सारी चीजों की तैयारी में सरकारों को गिराइए, लोकसभा में ज्यादा सीटें लाइए, इन उद्देश्यों को अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल कर रही है तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, एक सरकार की बात नहीं है, संपूर्ण लोकतंत्र के ऊपर धब्बे हैं इस तरीके के कार्रवाई करना। तो मुझे उम्मीद है कि इससे एक सबक लेते हुए बीजेपी जो है और केंद्र सरकार जो है वो कम से कम सावधान होगी और ऐसी हरकतों से बाज आएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं नागरिक के रूप में, हम झारखंड के चाहे वहां के मतदाता नहीं है लेकिन झारखंड हमें भी अपील करता है, उसका संबंध हमारी भी नागरिकता से है। हम भी चाहते हैं कि जो जहां पर जो सरकार चुन के आई है, लोगों ने उन्हें चुना है, उन सरकारों को आप ठीक ठाक चलने दीजिए, अनावश्यक उनको स्थिर मत कीजिए, गिराइए मत, और सरकार गिराने के लिए आप किसी व्यक्ति को उठा के अगर जेल भेज देते हैं तो इससे बड़ी बात, इससे दुर्भाग्यजनक चीज और कुछ हो नहीं सकता। हाँ चल जी 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 दीपक जी, और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कुछ आंकड़ा है और किस तरीके से चंपई सोरेन की फ्लोर टेस्ट में जीत हुई है। 47 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और विपक्ष को अगर विपक्ष में देखा जाए तो 29 जो विधायक हैं वो विपक्ष में मौजूद थे। लेकिन इसी बीच जो ये खबरें आ रही थी कि किस तरीके से झारखंड में कोई बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है, फ्लोर टेस्ट में कोई बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन बीजेपी को चौतरफा झटका लगा है। ना तो राष्ट्रपति शासन लागू हो पाया जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं और ना ही वहां पर बीजेपी समर्थित सरकार बन पाई, ना ही ऑपरेशन लोटस एक तरीके से जो कोशिश की गई वो भी पूरी तरीके से नाकाम हो गया। और अब सदन में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने दहाड़ा है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसका सीधा असर जनता के बीच में जा रहा है, लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा और बीजेपी को तो यहां झटका लगेगा ही लगेगा। बाकी और जो अन्य राज्य हैं जहां पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहां जहां आदिवासी हैं वहां वहां तक ये बातें जा रही हैं। आप देख रहे हैं पूरे दिन ये जो सियासी समीकरण है वो सामने आ रहे हैं, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, ईडी गिरफ्तार करती है, उसके बाद वो फ्लोर टेस्ट में आते हैं और वहां पर वो भाषण देते हैं। आंकड़े आप देख रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 41 का है, जबकि 47 विधायकों का समर्थन जेएमएम के पास है, चंपई सोरेन के पास है, और चंपई सोरेन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हेमंत सोरेन पार्ट टू है। ऐसे में अगर बीजेपी ये कोशिश भी कर रही थी समझने की कि अगर वो उनसे कमतर होंगे या आंकने की कोशिश बीजेपी ने की होगी, तो जो उनका अंदाज था और जिस तरीके से उन्होंने सदन में चंपई सोरेन ने भाषण दिया है उससे बीजेपी को पता चल गया होगा कि एक आदिवासी जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है और जो विधायक है इंडिया गठबंधन के अब वो टूटने के लिए तैयार नहीं है, वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। अमलेंदु जी क्या कुछ इस पर कहेंगे और हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान जो है वो सदन का इसके बाद सुनाएंगे। सबसे पहले अमलेंदु जी आपका एक बड़ा कमेंट इस पर चाहेंगे। आचल जी देखिए, एक तो जो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो था, विपक्ष का आंकड़ा, वो 32 का था, वोट मिले हैं उनको 29, यानी कि अगर कोई ऑपरेशन चला है तो उल्टा चल गया है झारखंड में। अब जब पूरे आंकड़े आएंगे सामने और किस किसने कहाँ क्या, क्या क्या किया है जब आएंगे तब उसकी समीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कोई खेल जो है वहां वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है झारखंड में, जो भारतीय जनता पार्टी उल्टा खेल करना चाहती थी। यानी कि आप ये समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के